हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आईफोन की म्यूजिक ऐप में आप कैसे सॉन्ग इंपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आपको कोई जरूरत नहीं है एप्पल की म्यूजिक सब्सक्रिप्शन लेने की, आप सीधा ही अपने कंप्यूटर से सॉन्ग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, कई मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो काफी टाइम से आईफोन यूज कर रहे हैं, उनको आज तक ये नहीं पता चला आप इस म्यूजिक ऐप में कंप्यूटर से सॉन्ग कैसे इंपोर्ट करें। वो हर बार एप्पल की म्यूजिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हर मंथ अमाउंट पे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप भी अपने कंप्यूटर की हेल्प से सॉन्ग्स को कैसे इंपोर्ट करें, और इसके लिए आपको एप्पल की मंथली सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें आईट्यून इंस्टॉल होनी चाहिए, आईट्यून का लेटेस्ट वर्जन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अब आपको यह सीखना होगा आप आईट्यून में सॉन्ग्स को कैसे इंपोर्ट करें। लाइक ये देखिए, जैसे ही आप आईट्यून ओपन करेंगे यहां पर ये कॉर्नर पे ऑप्शन आ गई 7, फाइल, एडिट, सॉन्ग, व्यू, कंट्रोल्स, अकाउंट हेल्प। ये जैसे आपने फाइल पे क्लिक किया यहां पर नीचे और ऑप्शन आ गई, यहां पर ये दो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऐड फाइल्स टू लाइब्रेरी और उसके नीचे है ऐड फोल्डर टू लाइब्रेरी। ऐड फाइल टू लाइब्रेरी की हेल्प से आप चाहें सिंगल सॉन्ग को अपने फोन में इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, मैं ऐड फाइल टू लाइब्रेरी करूंगा, यहां पर डेस्कटॉप पे मेरा एक सॉन्ग है, लाइक ये देखिए ब्राउन के नाम से। अगर इसको मैं आईट्यून में इंपोर्ट करना चाहता हूं तो मैं आपको वो बता दूं कैसे होगा। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, ओपन किया, ये देखिए ये यहां पर इंपोर्ट हो चुका है। अब ऐसी अगर मैं किसी फोल्डर को इंपोर्ट करना चाहता हूं जिसमें काफी सारे सॉन्ग्स हैं, तो ऐसी मैं ऐड फोल्डर्स टू लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा और जहां पर मेरे ये फोल्डर हैं, लाइक मैंने ई ड्राइव में फोल्डर रखे हुए हैं, लाइक हिंदी का आ गया, इंग्लिश का। सपोज करो मैं हिंदी सॉन्ग्स को इंपोर्ट करना चाहता हूं, मैंने हिंदी पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब ये देखिए ये सारे के सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे ही आप किसी भी फोल्डर को या किसी भी सॉन्ग को इंपोर्ट करना चाहें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं आप इन सॉन्ग्स को आईफोन में कैसे इंपोर्ट करें। तो इसके लिए आपको अपने फोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होगा, लाइक जैसे ये देखिए, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा कंप्यूटर के साथ, ये देखिए यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगी, ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है मुझसे, मैंने कैंसिल कर देना है। अब ये देखिए ये आ गया, यहां पर ये सिंक होने लग गया है। अब ये म्यूजिक का ऑप्शन आ गया यहां पर, ये देखिए यहां पर ये ऑप्शन आ गया सिंक म्यूजिक, यहां पर समरी है, यहां पर सिंक म्यूजिक। यहां पर गए, जैसे यहां पर ये ऑप्शन है सिंक म्यूजिक पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पर मैंने एंटायर म्यूजिक लाइब्रेरी कर देनी है। और अगर आप यहां पर अपनी प्लेलिस्ट बनाना चाहें आप वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले सपोज करो मैंने यहां पर एंटायर म्यूजिक लाइब्रेरी कर दी, जितने भी मैंने सॉन्ग अभी इंपोर्ट किए थे वो सारे के सारे इस आईफोन में आ जाएंगे। आपको करके दिखा देता हूं मैं। जैसे ही मैंने यहां पर ये क्लिक किया एंटायर म्यूजिक लाइब्रेरी पे, यहाँ पर ये देखिए नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, ये देखिए ये आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ये रहा और ये डन दबा दिया। अब ये देखिए ऊपर सिंकिंग स्टार्ट होने लग गई है, ये देखिए ये फोन में सॉन्ग आ चुके हैं, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 सॉन्ग्स हैं, 7 के 7 यहां पर इंपोर्ट हो चुके हैं। अब आप कोई भी चलाना चाहे चला सकते हैं।
ऐसे ही आप कोई भी सॉन्ग इंपोर्ट करना चाहें आप अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी में कर सकते हैं, आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और यहां पर ये ऑप्शन है, अगर आप अपनी प्लेलिस्ट बनाना चाहें लाइक हिंदी की, पंजाबी सॉन्ग की, इंग्लिश की, या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और उनको आप सेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आज का आपको ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया होगा। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।